हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार में। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों पास वाले जो घंटी वाला बटन है, इस बेल आइकन को भी आप दोस्तों दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी और इसी प्रकार सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते आज की लेटेस्ट अपडेट में। तो फ्रेंड्स आज की जो लेटेस्ट वीडियो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 के एग्जाम डेट से संबंधित है। और जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उन्होंने सीएम मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और एग्जाम जुलाई अगस्त में की जाए उसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। मतलब आप मान सकते हैं कि जो राजस्थान लेवल के जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो आमेर से एमएलए भी है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है। और बहुत ही दोस्तों बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता ने पत्र लिखा है तो कोई आपके पैर हो सकती है। आंदोलन हुआ उग्र, एग्जाम जुलाई 2020 करो। तो मैं इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी और इसमें बताऊंगा मैं कि पत्र लिखा उन्होंने, पूरा बोल के बताऊंगा मैं आपको क्या क्या उन्होंने कहा है। डॉक्टर सतीश पूनिया, विधायक आमेर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान। ये डेट भी आप देख सकते हो यहाँ पे 4/12/2019। और माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर। दोस्तों ये सतीश पूनिया जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और दोस्तों विधायक आमेर से विधायक भी है। विषय आरपीएससी अजमेर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 3 जनवरी 2020 के स्थान पर जुलाई अगस्त 2020 में करवाने एवं पदों की संख्या बढ़ाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 की तिथियों का निर्धारण अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 3 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 के मध्य किया गया, परंतु निम्नलिखित कारणों से उक्त भर्ती परीक्षा की तिथि का पुनः निर्धारण कर जुलाई अगस्त 2020 में कराए जाने तो अनुरोध है। फर्स्ट, पदों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 10000 की जाए। मैंने आपको कल वीडियो भी प्रदान की थी इस चैनल के माध्यम से कि जो वर्तमान में पद है वो रिक्त 10000 है और भर्ती है वो 5000 की निकाली गई है। तो 5000 पद अगर और बढ़ जाए तो आपके 10000 पद हो जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि पद भी बढ़ाया जाए 5000। सेकेंड पॉइंट है, अगर परीक्षा जनवरी में होती है तो एमए फाइनल एवं बीएड फाइनल वर्ष के लगभग 2 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है। थर्ड पॉइंट है, पंचायत चुनाव कार्य में लगे हुए बीएलओ शिक्षक, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शिक्षक शामिल है, ने भी आवेदन कर रखा है, जिसके कारण ये सभी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, वीएमओ कोटा की परीक्षा भी इसी समय पर होगी, अतः ये वर्ग भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। दोस्तों इन्होंने अच्छा पॉइंट रखा है पूनिया साहब ने, कि जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होंगे वो भी इसी समय पर होंगे, जुलाई में उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन मार्च अप्रैल में आएगा तो उनको भी मौका मिल सकता है क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। पांचवा पॉइंट है, ईडब्ल्यूएस के नवीन मापदंड के होने के कारण इसमें संशोधन करने वाले अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाए। छठा पॉइंट है, बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 5% कोटा निर्धारित किया जाए। दोस्तों वर्तमान में 10% है, इसको कम करके 5% किया जाए। भवदिया डॉक्टर सतीश पूनिया, तो ये आप देख सकते कार्यालय भी इसमें लिखा हुआ है जयपुर। तो राजस्थान बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, मतलब आप मान सकते हैं कि एक मांग की है मुख्यमंत्री साहब से कि जो डेट है वो आगे बढ़ाया जाए और जुलाई अगस्त 2020 में की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। तो इसी प्रकार की आप पल पल की अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों पास वाले घंटी बटन को भी आप दबा दें। आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।